हेलो, नमस्ते जी। आज मैंने बनाया है चाय के साथ खाने वाली टी टाइम नाश्ता। इसके लिए मैंने लिया था 1 कप आटा, 1 कप मैदा। अब हम दोनों को मिक्स कर लेंगे। इसमें डाला है मैंने कलौंजी, मैंने मंगरेला। अब डालेंगे अजवाइन क्रशेड। अब इसमें मैं डालूंगी ऑयल, और मैं यहीं पे नमक भी डाला है थोड़ा सा। अब इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। नमक डालने से बढ़िया टेस्ट आएगा। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारे नाश्ते कुरकुरे और करारे बढ़िया बने। तो देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया, हमारी बाइंडिंग अच्छी हो गई। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको सॉफ्ट और स्मूथ डो लगा लेंगे इसका। तो देखिए, मैं आटा का डो तैयार कर ली हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लगा के और इसको मिक्स कर लूँगी, सॉफ्ट नरम कर लूँगी मसल मसल के, और ढक दूँगी 5 मिनट रेस्ट करने के लिए। अब देखिए, मैंने लिया है एक आलू। आलू को हम करेंगे मैश। आपके पास मैश ऐसे हो घसनी तो उसमें घसिए, वरना हाथ से भी आप इसको मैश कर सकते हैं। अब दोनों आलू को मैश कर लूँगी। अब हम इसमें डालेंगे, देखिए आलू मैश हो गया, और बारीक कटा हुआ प्याज। अब इसमें डालेंगे हम मिर्ची। आप यहीं पे काली मिर्च और ऑरिगैनो डाल सकते हैं, ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो। हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो देखिए, हमने डाला है चाट मसाला, गरम मसाला, तीखी वाली मिर्ची, नमक। अब इनको मिक्स करेंगे। आप ज़्यादा चटपटा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो और मसाले ऐड कर सकते हैं, और आप धनिया भी ऐड कर दीजिए हरा। हमारा स्टफिंग देखिए बन के हो गया तैयार। अब हमने आटे जो लिए उसको मसल लेंगे। अब इसका बनाएंगे हम रोटी। तो एकदम पतला बनानी है इसको, तो हम इसको बेल लेंगे। आप आटा नहीं भी लगाएंगे तो ये अच्छे से बन जाएंगे हमारे पूरी, बट चिपकने का डर रहता है तो आप आटा लगा सकते हैं। तो देखिए, हमने रोटियां बना ली है इसकी, बड़ी साइज की रोटी बना लेनी है। आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब हम इसमें आलू के स्टफिंग को डालेंगे। तो देखिए, मैं आलू के स्टफिंग को इस तरह डाल रही हूँ। अब आप यहाँ पानी नहीं तो मैदे का घोल लेके ऐसे चिपका सकते हैं, वरना इसको चिपकाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही सेट हो जाता है। आपका लगे कि नहीं चिपक रहा है तो आप इसको चिपका सकते हैं। अब इसका आप शेप ऐसे मसल मसल लीजिए, वरना ऐसे भी रोल बन जाएंगे। अब आप इसको छोटा बड़ा जो शेप देना चाहते हैं दे सकते हैं। मैं इसका 2 पीस करूँगी इसको मैं, और बड़ा शेप दूंगी आपको। 3 शेप भी इसको बना सकते हैं, 3 टुकड़े में कर सकते हैं, लेकिन मैंने हाफ हाफ कट किया। इसी तरह हम और भी बना लेते हैं ना, देखिए। और रोल शेक बना के दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड्स, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में बताएं कैसा बना था मेरा नाश्ता। तो देखिए, हमने दूसरे को भी ऐसे रोल कर लिया। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो ये बहुत खस्ती और करारी बनती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और मैं ये बच्चों के लिए भी बना रही हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा चटपटा नहीं बनाया इसको। देखिए, सारे रोल्स बन के तैयार हो गए और बहुत अच्छा बने थे, टेस्ट भी बहुत बढ़िया आ रहा था इसका। अब इसको मैंने ऑयल गर्म कर लिया था पहले से। अब रोल्स को फ्राई करेंगे हम, लो टू मीडियम आँच पर फ्राई करेंगे इसको, ताकि अंदर से भी सिक जाए और खस्ती करारी कुरकुरे नाश्ता बन के तैयार हो। तो देखिए, हम इसको सेकेंगे। सेकने में आपको भी बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से सेकना है इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो देखिए, हमारा नाश्ता कितना बढ़िया फ्राई हो गया। अब दूसरे को भी डालेंगे हम, बाकी नाश्ते को भी, बाकी रोल्स को भी इसी तरह हम फ्राई करेंगे, चला के उलट पलट के सेक लेंगे अच्छे से। तो देखिए, हमारा नाश्ता फ्राई हो रहा है, और कलर कितना बढ़िया दिख रहा है ना इसका, और है ना एकदम यूनिक स्टाइल नाश्ता, और वो भी कम मेहनत में। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस नाश्ते को। और देखिए, हमारा दूसरा वाला भी रोल्स फ्राई हो गए। अब हम इनको निकाल लेंगे। देखिए, हमारा नाश्ता कितना खस्ता और करारी बना है, आगे दिखाती हूँ आपको मैं। देखिए कितना बढ़िया आवाज़ आ रहा है ना इसमें से, एकदम कुरकुरा, और देखिए कैसे टूट रहा है और बढ़िया दिख रहा है। इसको आप टमाटो केचप या चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं।
टी टाइम स्नैक्स समझिए मेरे नाश्ते को। मेरे नाश्ते की रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें।